अग्निपथ योजना बारे भारत तीनों फौजां दे अधिकारियों ने अज नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान विस्तार नाल जानकारी दी। भारतीय फौज के लैफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि यह योजना लंबे समय की चर्चा तो बाद लिया गई है और अग्निवीर बनने लई नौजवानों ने सिखलाई भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर राही देश की सुरक्षा लई नौजवानों नूं वड्डा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरां नूं भी रक्षा ते बहादरी मैडल मिलणगे। जनरल अनिल पुरी ने कहा कि रेजीमेंट के सिद्धांत नाल कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और अग्निपथ राही फौज वधेरे मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भारत विच दुनिया के मुकाबले सब तो वध नौजवान ने ते भारतीय फौज देश की सुरक्षा लई इन्हां नूं अग्निवीर राही फौज में शामिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरां नूं पूरी सिखलाई दे के मजबूत बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी मुताबक तिना फौजां दी भर्ती दी प्रक्रिया विच कोई बदलाव नहीं कीता जा रहा है। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जो अभी 5 साल पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या 2 साल पहले था और 5 दिन बाद होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। तीनों सर्विसेज के जो प्रोसेस थे वो वैसे के वैसे रखे गए हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास के ऊपर लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले भी हम ऑल इंडिया ऑल क्लास थे, अब भी ऑल इंडिया ऑल क्लास रहेंगे। इसमें कोई किसी को, ये खासकर इसकी जरूरत है हमारे जो वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहां बिठाया है, उनके लिए है। जो रेजिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फौज पूरी तरह अनुशासित रहती है और अग्निपथ योजना तहत भर्ती होने वालों नूं प्लेज ते अंडरटेकिंग देनी होगी। आपने देखा कि पिछले कई दिनों में प्रोटेस्ट, आर्सन, वायलेंस, उसके लिए कोई जगह नहीं है। अंडरटेकिंग नॉट प्लेज कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। पुलिस वेरिफिकेशन हमेशा होती थी, सिर्फ बिकॉज 3-4 दिनों में ये आर्सन और वायलेंस देखा गया इसलिए इसकी प्लेज और अंडरटेकिंग हम लेंगे। जो सर्विसेज ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कोई बदली नहीं हुई है। लेफ्टिनेंट पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना तहत भर्ती पूरी तरह पारदर्शी ते केंद्रीकृत तरीके नाल होगी। आज भर्ती होने के लिए हर एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सिलेक्ट होता है, तो 49 से 59 लोग वापस जा रहे हैं। तो हमको जरूरत क्या है? हमको जरूरत है देश के लिए बेस्ट लेने की। ये वी कैनॉट टेक द सेकंड बेस्ट। हमारा जो काम है वो सेकंड रनर्स अप सिल्वर मेडल से नहीं चल सकता। ट्रांसपेरेंट होगा ये प्रोसेस, फेयर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सेंट्रली मेंटेन्ड होगा। उन्होंने दस्या कि अग्निपथ योजना विच अग्निवीरां दे सेफ गार्ड प्रावधान रखे गए ने। देखिए, अग्निपथ इंप्लीमेंटेशन के लिए फोर्सेस को एम्पावर करा गया है। इसमें प्रावधान रखे गए हैं सेफ गार्ड्स के लिए जब भी जरूरत पड़ी, और प्रावधान के लिए हमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसमें जो छोटा मोटा बदलाव है कर सकते हैं। फोर्सेस के अंदर आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है। हमारी ओनरशिप इस स्कीम के लिए 100% है एंड ये स्कीम एक बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है बिकॉज इसको कई देर से सोचा गया है। एक आदमी ने नहीं सोचा, एक औरत ने नहीं सोचा, बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी मुताबक अग्निवीर सेवा देंगे आते सिस्टम सपोर्ट करेगा। हम चाहते हैं कि अग्निवीर सर्व करे, उसको सिस्टम सपोर्ट करे। अगर कल को, आज से 4 या 5 साल बाद अग्निवीर अगर कहीं बाहर लड़े में मिलेगा, उसे परमवीर चक्र मिलेगा और आप उसके गवाह होंगे। उसमें कोई किस्म की अलग नहीं है। वो बिल्कुल हमारे साथ अगर लड़ेगा तो उसको वही चीजें मिलेंगी जो हमें आज मिल रही हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो और कोई किस्म की चीज हो। सो गैलेंट्री अवार्ड्स। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने नौजवानों नूं देशभक्ति दे इस मौके नूं अपने हाथों ना जान दी अपील कीती। देश की भक्ति का चांस हम दे रहे हैं सब युवकों को। सो ये देशभक्ति का चांस मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये युवक अपने हाथ से ना जाने दे। अग्निपथ एक टैलेंट अट्रैक्ट करने की हमने स्कीम बनाई है सो दैट वी गेट द बेस्ट। एंड इसके साथ मैं चाहूंगा कि एक लाइन आप याद रखिएगा कि देशभक्ति या फौज में काम करना एक जुनून है, एक जज्बा है, ये एक नौकरी के लिए प्रावधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार।